नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 जनवरी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब मिलेंगे 611 तरह की दवाएं। अब बिहार में बायोमेट्रिक से बनेगी मनरेगा में काम करने वालों की हाजिरी। बिहार में शराब तस्कर हो जाए सावधान। बिहार में किसानों को सबल बनाएंगे मोटे अनाज। भारत ने वनडे सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। HPCL ने 100 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 100 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को रेलिवेंट डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 14 जनवरी 2023 तक है। जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.hindustanpetroleum.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब मिलेंगे 611 तरह की दवाएं। अब बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बता दें कि अब सरकारी अस्पतालों में कुल 611 तरह की दवाएं मुफ्त में मरीजों को मुहैया कराई जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक सरकारी अस्पतालों में 387 प्रकार की दवाएं मरीजों को मुफ्त में मिल पाते थे, जिसे बढ़ाकर अब 611 कर दिए गए हैं। मालूम हो कि समिति के द्वारा दवाओं की संख्या में यह बदलाव मरीजों को सहूलियत पहुंचाने के लिए किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दवाओं की सूची में नई जीवन रक्षक दवाओं को शामिल किया गया है। राजस्व मंत्री ने दिए राजस्व संबंधी कार्यों में तेजी लाने के टिप्स। बीते दिन मंगलवार को प्रदेश राजद कार्यालय में सुनवाई कार्यक्रम के दौरान बिहार में जमीन बंटवारा, दाखिल खारिज और प्रॉपर्टी विवाद से जुड़े मामलों को जल्दी सुलझाया जा सके, इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता के द्वारा टिप्स देते हुए कहा गया है कि बिहार के आम आवाम जमीन जायदाद का बंटवारा पंचायत कोर्ट और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर रजिस्ट्री ऑफिस जाकर बंटवारे का कार्य समय पर पूरा करा ले तो जल्दी से जल्दी दाखिल खारिज हो सकेगा, जिससे भू अर्जन के बाद मुआवजा का भुगतान भी आसानी से हो सकेगा। सुस्त अधिकारियों को सरकार थमाएगी नोटिस। खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा राजस्व वसूली की सुस्त रफ्तार को देखते हुए मंत्री की समीक्षा बैठक के बाद कड़ा रुख अपना लिया गया है। बता दें कि विभाग के द्वारा उन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस थमाने का फैसला लिया गया है जो अधिकारी अपने काम में सुस्ती दिखाते हैं और राजस्व वसूली के काम में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाते। जानकारी के लिए बता दें कि विभाग के द्वारा ऐसे अधिकारियों को 1 महीने की मोहलत दी गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि उन्हें इस अवधि में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाना होगा और लक्ष्य के रूप राजस्व वसूली का काम करना होगा। बता दें कि बिहार के जिन 5 जिलों का राजस्व वसूली में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है उसमें लखीसराय, मुंगेर, जहानाबाद, गया और रोहतास जिला शामिल है। बिहार में हर पंचायत के खास उत्पाद के लिए तैयार हो रहा कोऑपरेटिव विजन। बिहार में किसानों की उन्नति करने को लेकर और सहकारिता के क्षेत्र में क्रांति लाने को लेकर सहकारिता विभाग कृषि रोड मैप के साथ साथ राज्य के हर पंचायत में कोऑपरेटिव विजन का ड्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है। इसके तहत राज्य की हर पंचायत में वहां की खास उपज उत्पादों को लेकर कोऑपरेटिव समिति बनाई जाएगी और उत्पाद को सही मूल्य में खरीदने के लिए बाजार समिति की चौखट उपलब्ध करवाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके तहत अलग अलग समिति का गठन कर उनको बेहतर तरीके से मार्केट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें सभी समितियों को अपना गोदाम होगा। अस्पतालों के ओपीडी के समय सारणी में हुआ बदलाव। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक आम सूचना जारी कर अस्पतालों के ओपीडी के समय सारणी में बदलाव किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ट्वीट शेयर कर सूचना दी गई है कि राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं सदर अस्पतालों में मरीजों को ओपीडी की दी जाने वाली सुविधा के समय में बदलाव कर दिया गया है। ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक शीतकाल निर्धारित किया गया है। वहीं ओपीडी निबंधन का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा रविवार को एवं सरकारी छुट्टी के दिन ओपीडी सेवा बंद रहेंगी। अब बिहार में बायोमेट्रिक से बनेगी मनरेगा में काम करने वालों की हाजिरी। अब बिहार के मजदूरों को उनकी मजदूरी के लिए भुगतान करने में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सकेगा। बता दें कि अब मनरेगा सॉफ्ट एप्लीकेशन मोबाइल का प्रयोग करके मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर ही बायोमेट्रिक पद्धति से हाजिरी दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही इस ऐप की मदद से न केवल फर्जी हाजिरी लगाकर पैसे निकालने पर रोक लग सकेगी बल्कि मजदूरों के द्वारा किए जा रहे काम के घंटे का भी आकलन किया जा सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NMMS पद्धति को जनवरी
जनवरी से लागू कर दिया गया है, जिसमें मजदूरों के नाम और उनके काम की सभी सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी। बिहार के विश्वविद्यालयों में नए सत्र से इन विषयों की होगी पढ़ाई। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के द्वारा बिहार के अधिसंख्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और आईटी इंडस्ट्रीज विषय को शामिल करने के लिए स्वीकृति दे दी गई है। बता दें कि इन विषयों की पढ़ाई विश्वविद्यालयों में नए सत्र से करवाई जाएगी। इसके लिए पाठ्यक्रम भी डिजाइन किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि इन विषयों की पढ़ाई शुरू होने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकेंगे। मालूम हो कि बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के द्वारा सभी विश्वविद्यालय में विषयवार विद्यार्थियों का डाटाबेस तैयार करने का सुझाव दिया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस विषय को पढ़ने के लिए कितने विद्यार्थियों की तादाद है। जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल ये सभी कोर्स अभी यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं है। बिहार में रेरा ने बदले पंजीकरण के नियम और शर्तें। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा के द्वारा अपने निबंधन यानी पंजीकरण से जुड़े नियमों और शर्तों में बदलाव किया गया है। बता दें कि बदले गए नियम और शर्तों के अनुसार अब अगर कोई बिल्डर अपना नया कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है तो उसके लिए उन्हें सबसे पहले अपने बीते 5 सालों का सारा हिसाब किताब देना होगा। वहीं अगर किसी एक कंपनी के माध्यम प्रोजेक्ट का निबंधन कराया जा रहा है तो उस कंपनी से जुड़े सभी निदेशक और प्रमोटरों को बताना होगा कि उनका किसी दूसरी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट के साथ जुड़ाव है या नहीं, या उनके प्रोजेक्ट पर निगरानी विभाग के अधीन कोई केस तो नहीं चल रहा है। बिहार में शराब तस्कर हो जाए सावधान। बिहार में शराब बंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन पुलिस के द्वारा शराब तस्करों की गिरफ्तारी की जा रही है। वहीं पुलिस के द्वारा अब शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत नेपाल व बांग्लादेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। और इसके साथ ही राज्य के समस्त जिलों में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी तथा मद्य निषेध के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के अधीन मद्य निषेध के लिए जिला में एंटी लीकर टास्क फोर्स 215 टीमें गठित की गई हैं। इस बात की जानकारी एडीजीपी जीएस कंगवार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को दी गई है। 12 जनवरी के बाद से लोगों को मिल सकती है ठंड से राहत। बिहार में भयंकर शीतलहर से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य का अधिकतर जिला कड़ाके की ठंड के चपेट में है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के उत्तरी भागों में शीत दिवस की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जनवरी यानी कि आज से बिहार भीषण शीतलहर की चपेट में रहेगा। वहीं 12 जनवरी यानी कि आने वाले कल से बिहार के मौसम में अंदर थोड़ा सुधार हो सकता है और 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि तापमान में देखी जा सकती है। इससे पहले घने कोहरे का दौर जारी रहेगा। जेल में गाना गाकर बदल गई सिंगर कन्हैया राज की किस्मत। इन दिनों कैमूर के सिंगर कन्हैया राज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे लोगों के द्वारा खूब पसंद भी किया जा रहा है। दरअसल कन्हैया ने यह गाना बक्सर जिले के जेल में गाया था, जिसे आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी इस गाने को सुनकर उनकी आवाज के कायल हो गए हैं। इसी कड़ी में यूपी के देवरिया के एमएलए सलब मणि त्रिपाठी के द्वारा कन्हैया के जेल में छेड़े तान को ट्वीट कर किया गया था। वहीं अब जेल से बाहर आने के बाद कन्हैया का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी शराब के नशे में नहीं की गई थी, बल्कि किसी फैन ने अश्लीलता को लेकर बक्सर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि मैं अश्लील गाने नहीं गाता हूं। जब से मेरा वीडियो वायरल हुआ है तब से मुझे कई जगह से गाने के ऑफर्स दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल वे गाना गाने के लिए बनारस जा रहे हैं। अब रविवार को भी खुले रहेंगे निबंधन कार्यालय। बिहार के वैसे लोग जो जमीन खरीद बिक्री करते हैं उनके लिए सरकार के द्वारा अच्छी खबर दी गई है। दरअसल मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम 3 माह में जमीन रजिस्ट्री कराने को लेकर लोगों की अधिक भीड़ को देखते हुए आदेश जारी कर यह फैसला लिया गया है कि अब राज्य के सभी निबंधन कार्यालय रविवार को भी खुले रहेंगे। हालांकि विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि रविवार को निबंधन कार्यालय केवल जनवरी से मार्च 2023 तक ही खुले रहेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस नियम की शुरुआत 8 जनवरी से की जा चुकी है, यानी कि अब इच्छुक व्यक्ति रविवार को भी निबंधन के लिए ऑनलाइन स्लॉट की बुकिंग कर सकेंगे। इस फैसले से न केवल कार्यालय पर दबाव कम पड़ेगा बल्कि राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। गोपालगंज में फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर 71 शिक्षकों पर हुई कार्रवाई। बिहार के गोपालगंज जिले में 71 शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है, जिसके बाद अब तक इस मामले को लेकर 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। वहीं शिक्षा विभाग के द्वारा इन शिक्षकों के खिलाफ नियोजन समिति को बर्खास्त करने की रिपोर्ट भेज दी गई है। बता दें कि ये सभी 71 शिक्षक गोपालगंज जिले के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत थे। इस मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा के द्वारा बताया गया है कि निगरानी विभाग के द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जांच की गई थी, जिसमें यह बात सामने आई कि इन शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी है। फिलहाल अभी सभी आरोपित शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और साथ ही इनको सेवा मुक्त करने के लिए संबंधित नियोजन इकाई को रिपोर्ट भेजा गया है।
बिहार में किसानों को सबल बनाएंगे मोटे अनाज। जलवायु परिवर्तन के चलते धान गेहूं की फसलों और किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा चौथे कृषि रोड मैप में मोटे अनाज को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से तैयारियां की जा रही है। बता दें कि इसके तहत किसानों को मोटे और पोषक अनाज का रकबा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही कारण है कि इस वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए राज्य के कृषि विशेषज्ञों के द्वारा काम शुरू कर दिया गया है और यह देखा जा रहा है कि किस जिले की मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है। बिहार में शराबबंदी कानून पर लिए गए सख्त निर्णय। बिहार में शराबबंदी लागू होते हुए भी शराबों की बढ़ती तस्करी को देखते हुए शराबबंदी कानून के तहत मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग के द्वारा सख्ती दिखाते हुए बिहार के ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। बता दें कि अब इसके तहत सभी परिवहन कंपनियों को, चाहे वह निबंधित हो या नहीं, अगर वह स्पिरिट, साइलेंस स्पिरिट, कफ सिरप या किसी ऐसे सामान का परिवहन राज्य के अंदर या बाहर होता है तो इसकी सूचना मद्य निषेध विभाग को देनी होगी। इसके लिए विभाग की ओर से सभी परिवहन कंपनियों को 15 जनवरी तक का समय दिया गया है। वहीं अगर 15 जनवरी के बाद विभाग के द्वारा किए गए जांच परिवहन में अगर पाया जाता है कि किसी परिवहन कंपनी के द्वारा सूचना नहीं दी गई है तो उनके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। बता दें कि नई गाइडलाइन के तहत उन किसानों को ही किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकेगा जिनके लैंड सीडिंग नंबर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के डाटाबेस में उपलब्ध हो। जानकारी के लिए बता दें कि इस नई गाइडलाइन की जानकारी सभी कृषि कर्मियों एवं अधिकारियों को दे दी गई है। मालूम हो कि यह नया नियम नए और पुराने आवेदकों के साथ ही उन पर सभी लागू होगा जिनके आवेदक पुनर्विचार के लिए ऑनलाइन मुख्यालय को भेज गए हैं। हालांकि इस नई गाइडलाइन के आने से हजारों किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। शार्क टैंक 2 में दिखा पटना की ज्योति भारद्वाज का कमाल। शार्क टैंक 2 के लेटेस्ट एपिसोड में बिहार के पटना की ज्योति भारद्वाज नजर आई। दरअसल वो इस शो में अपने ब्रांड टिफीट को लेकर आई। इस दौरान वे अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां पहुंची थी। ज्योति ने अपने बच्चों के साथ मिलकर शार्क को टिफीट के बारे में बताया। बता दें कि ज्योति ने बताया कि ये एक स्वस्थ पेय ब्रांड है जिसकी शुरुआत उन्होंने मार्च 2021 में की थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस बिजनेस में सबसे पहला निवेश उनकी सास ने की थी। जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए उन्होंने जेजेस से 3% इक्विटी पर 50 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन शार्क को ज्योति का पिच करने का तरीका और ब्रांड काफी पसंद आया, इसलिए 50 लाख के बदले 8% की इक्विटी पर ही यह डील पूरी की गई। सीएम पर सुधाकर सिंह के तीखे हमलों पर ललन सिंह का जवाब। पूर्व मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर तीखी बयानबाजी की जा रही है। इसी को लेकर अब जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आरजेडी का आंतरिक मामला है, वो इसे लेकर मीडिया में कुछ नहीं कहेंगे। इसके साथ उन्होंने गंगा में गाद की स्थिति को लेकर कहा कि गंगा में पहले गाद प्रबंधन की आवश्यकता है क्योंकि गाद की जो स्थिति है उससे जहाज के सुचारू रूप में चलने में परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की वो सारी योग्यता है जो किसी के अंदर होनी चाहिए। 2024 में सभी पार्टियां मिलकर तय करेंगी कि देश का पीएम कौन बनेगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान। इन दिनों बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। इसी को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल जब उनसे इससे जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चर्चा तो आप ही लोग करते हैं और यह मामला मुख्यमंत्री का है। मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कौन क्या बनेगा यह अधिकार मुख्यमंत्री का है, न कि किसी बाहर के आदमी का। अब इस पर हम क्या बोलेंगे। दरअसल हाल ही के दिनों में जेडीयू की ओर से उपेंद्र कुशवाहा के बयान से महागठबंधन में सियासी तल्खी बढ़ी रही। यही कारण है कि अब वह कुछ भी कहने से बसते दिख रहे हैं। भारत ने वनडे सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। भारत ने श्रीलंका को पहले वनडे मैच में हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने विराट कोहली के शतक और रोहित शर्मा और शुभमन गिल के अर्धशतकीय पारियों की बदौलत श्रीलंका को 374 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। श्रीलंकाई टीम इतने बड़े स्कोर को पार नहीं कर सकी और भारत ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। विराट कोहली ने 87 गेंदों पर 113 रनों की पारी खेली जबकि रोहित शर्मा 83 रन और शुभमन गिल 70 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल ने भी 39 रनों की पारी खेली थी। इसके साथ टीम इंडिया ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए सीरीज के पहले वनडे मैच के दौरान भारतीय टीम ने यह उपलब्धि हासिल की। दरअसल टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 9वीं बार श्रीलंका के खिलाफ वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 350 से ज्यादा का स्कोर खड़ा किया है। इस मामले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा है।
भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। मुगल साम्राज्य के सम्राट जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत 1613 में दी। भारत के अखबारी कागज का उत्पादन 1955 में प्रारंभ हुआ। भारत और इंडोनेशिया के बीच 2001 में पहली बार रक्षा समझौता हुआ। रिलायंस ने BSNL को 2005 में 84 करोड़ रुपए चुकाए। भारतीय राजनीतिज्ञ सीबू सोरेन का जन्म 1944 में हुआ। बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले नोबल विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म 1954 में हुआ। भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का जन्म 1973 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक श्रीधर पाठक का जन्म 1860 में हुआ। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का 1966 में निधन हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजय घोष का 1962 में निधन हुआ। ध्रुपद धमार शैली के गायक राम चतुर मल्लिक का 1990 में निधन हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे साइबर स्वच्छता केंद्र लॉन्च के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे साइबर स्वच्छता केंद्र लॉन्च के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि क्या नेटवर्क और सिस्टम को प्रभावित करने वाले मैलवेयर और बॉटनेट के विश्लेषण के लिए भारत सरकार द्वारा साइबर स्वच्छता केंद्र लॉन्च किया गया था। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि हां, नेटवर्क और सिस्टम को प्रभावित करने वाले मैलवेयर और बॉटनेट के विश्लेषण के लिए भारत सरकार द्वारा साइबर स्वच्छता केंद्र लॉन्च किया गया था। यह रेड गोल नीति का एक हिस्सा है। डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य बॉटनेट संक्रमणों का पता लगाकर सुरक्षित साइबर स्पेस बनाना है। टेलीविजन दर्शक जल्द ही बिना सेंटर बॉक्स के देख सकेंगे दूरदर्शन चैनल। टेलीविजन दर्शक जल्द ही बिना सेंटर बॉक्स के दूरदर्शन चैनल देख सकेंगे। भारतीय मानक ब्यूरो ने बिल्ट इन सैटेलाइट ट्यूनर के साथ टेलीविजन रिसीवर की स्पेसिफिकेशन जारी किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार टेलीविजन दर्शक बिल्ट इन सैटेलाइट ट्यूनर के साथ डिजिटल टेलीविजन रिसीवर की मदद के बिना सेंटर बॉक्स के दूरदर्शन के सभी फ्री टू एयर चैनल देख सकेंगे। ये ट्यूनर केवल एक डिश एंटीना को इमारत की छत के ऊपर लगे LNB से जोड़कर फ्री टू एयर टीवी और रेडियो चैनल रिसीव करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा BIS ने सामान्य चार्जर और वीडियो निगरानी प्रणाली के लिए दो और मानक प्रकाशित किए हैं। CBSE 10वीं और 12वीं परीक्षार्थियों के लिए हुई मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की शुरुआत। CBSE 10वीं और 12वीं परीक्षार्थियों के लिए बीते सोमवार से मुफ्त मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि यह पहली बार है जब परीक्षार्थियों को काउंसलर के साथ वीडियो कॉल पर भी बात करने का मौका मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह काउंसलिंग प्रक्रिया 24 घंटे चलेगी। बोर्ड के द्वारा टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जिस पर परीक्षार्थी या अभिभावक के द्वारा जब चाहे फोन किया जा सकता है। इसके लिए बोर्ड द्वारा देश भर से 97 मनोवैज्ञानिकों की टीम बनाई गई है। मालूम हो कि इसकी शुरुआत इसलिए की गई है ताकि बच्चों में तनाव मुक्त परीक्षा के भाव को पैदा किया जा सके। दरअसल पिछले 2 सालों से बोर्ड के परीक्षा पर कोरोना संक्रमण का असर था। बता दें कि यह काउंसलिंग बोर्ड परीक्षा के समाप्त होने के बाद तक जारी रहेगी ताकि रिजल्ट खराब होने के बाद भी बच्चों में तनाव पैदा न हो सके। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत सिंह, अंबिका कर्ण, रवि कुमार राम, महेश दास, पंकज कुमार दास, अभिषेक कुमार रॉय, नन्नू गोलू कुमार, दिव्यांशु कुमारी, अतीक खान, जयेश कुमार, रविन्द्र पासवान, विकास दास, असरफी मंडल, मोहम्मद सकीर हुसैन, नीतीश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार सरकारी अस्पतालों में 611 तरह की दवाएं मुफ्त में मिलने से बिहार के लोगों के लिए कितना कारगर साबित होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।